अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे पास बोया का मल्टी कंपेटेबल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का माइक है। इसकी जो फीचर्स है वो मतलब कि 3 डिफरेंट अडाप्टर्स है, मानो स्टीरियो आउटपुट है इसका, मतलब कि एक माइक इसकी पास है, एक माइक मेरे पास है। अगर ये बोलेगा तो हेडफोन की इस साइड से आवाज़ आएगा, मैं बोलूँगा तो इस साइड से। उसका जो रेंज है वो 100 मीटर है, ठीक है। और मतलब कि आप इस बक्स के अंदर ख़ुद अपना एक अडाप्टर है जिसके अंदर आप पोर्टेबली इसको चार्ज कर सकते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये मुझे मिला है 24,500 का, लेकिन डिस्काउंट लगा हुआ था तो 22,500 का मिले। तो मैं आपको ये पकड़ो ज़रा, मैं दिखा रहता हूँ आपको। ये इसका अपना एक अडाप्टर है, जैसे कि हम एक तरह से पावर बैंक ही कह सकते हैं। तो ये इसका माइक है, इसके अंदर ये चार्ज होते हैं एलईडी लाइट्स बैटरी का आपको दिखा रहे थे। और इसके अंदर आप थोड़ा सा करीब लेकर आओ, इसके अंदर ये एक जैक है, हम इसको यहाँ से निकाल कर आईफोन का कैमरे का और एंड्रॉयड का लगा सकते हैं। तो ये ख़ुद बहुत मैग्नेटिक है, ये इस तरह पकड़ लेते हैं। ये इसके साथ आईफोन का है, ठीक है, और ये ख़ुद बहुत चिपक जाते हैं यहाँ पर। इसके साथ ये एंड्रॉयड का है, एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मतलब कि किसी जगह पर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो और वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि हवा चल रही है, तो ये आपकी हवा को कंट्रोल कर लेते। और ये इसके 2 माइक्स है जो कि हम इस तरह यहाँ पर लगा लेते। माइक्स काफ़ी छोटे हैं, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा, ये देख रहे हो, बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। तो हम इसका जो वॉइस है उसका भी एक टेस्ट लेंगे आगे, हम इसका सेटअप करके आप लोगों को टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बॉक्स आते हैं, इसमें इसका एक बेहतरीन सा पाउच है जिसके अंदर आप अपनी माइक को और अपने माइक के बॉक्स को कैरी कर सकते हैं। ये इसका मैनुअल है और इसके अंदर एक केबल भी है जो कि सी टाइप का केबल है, और बस एक वारंटी कार्ड है। अच्छा, इसका जो वारंटी कार्ड होते वो इस तरह होता है कि 2+1 ईयर, मतलब कि 2 साल का गारंटी है और 1 एक्स्ट्रा ईयर दे रहे हैं। तो अगर आप 3 साल में इसको कोई भी मसला आता है तो आप इसको वापस कर सकते हो। ये मुझे लाहौर से मिला है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूँगा जिस शॉप से मैंने ऑनलाइन परचेज किए। तो आप लोग अगर अपने लिए लेना चाहते हो तो अच्छी प्राइस आप लोगों को मिलेगा, मुझे डिस्काउंट मिला था, उम्मीद है कि आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने अपने माइक में वो पाउच लगाया है जो कि कोई हवा चल रही है ना उसके ऊपर जो पाउच सा लगता है। और नवीद ने अपने माइक मैंने अपने माइक पे पाउच नहीं लगाया, तो ये तकरीबन कि 85 मीटर का रेंज है। तो मैंने जो माइक लगाया इसके ऊपर पाउच लगा हुआ है और ये 100 मीटर का रेंज है। ये माइक का हमने टेस्टिंग किया और बिल्कुल सही तरह से 100 मीटर में काम कर रहे हैं। अगर प्लेन सरफेस है, आगे से दीवार वगैरह नहीं है, तो ये 120 तक भी जाते हैं। लिहाजा माइक टेस्टिंग में सक्सेसफुल था, बेहतरीन था। जो हमने बाई किया उसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू।